कैसे हैं आप लोग? आज मैं बहुत दिनों बाद अपना ब्लॉग शूट कर रही हूँ और देखो जस्ट अभी नहा के ब्रेकफास्ट किया है बंदी, सिंदूर कुछ भी नहीं लगा रखा, मैंने हेयर वॉश किया। जस्ट हेयर वॉश करने के बाद मैं सीरम लगा लेती हूँ। और आप लोग बताइए आप लोग क्या कर रहे हैं? ये देखिए मेरा पिलो, ये मेरा बेड है, यहाँ पर मैं सोती हूँ। और ये पिलो आपको पता है मेरा प्रेगनेंसी पिलो है, जिसके साथ मैंने आपको बताया मुझे काफ़ी कंफर्टेबल लगता है इसके साथ। और ये देखिए छोटू सा, आई लव यू फॉर एवर एंड एवर, ये मुझे बब्बू ने लास्ट ईयर 2018 में वैलेंटाइन डे में भेजा था मेरे लिए गिफ्ट। और मेरे चिन्नू मुन्नू हैं यहाँ पे, ये मेरी अपनी दीवार है जहाँ पे मैं सोती हूँ, तो मैं इनको देखना बहुत पसंद करती हूँ। एंड ये मेरे छोटे से बच्चे जो मेरे साथ सोते हैं रात को, सोते कम है, मैं अपनी पीठ पेट सबके आगे इनको लगाती हूँ, बिकॉज जहाँ पे मुझे अनकंफर्टेबल होता है तो इनको लगा लेती हूँ। थोड़ा कभी कभी मुझे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होता है सोने में तो। और ये मेरा डुगू है, तो काफ़ी टाइम से है, ये छोटे छोटे मैंने अभी अभी निकाल रखे कुछ दिन पहले, जैसे कि ये और ये। आज हमने ब्रेकफास्ट में किया, पकौड़े खा रखे हैं, ये देखो मेरे चिन्नू मुन्नू से बच्चे और एक उस दीवार पे। एंड दो तीन दिन से काफ़ी बारिश हो रही है, मतलब बारिश तो आज ही हुई है, बाकी काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा है, ठंडा लग रहा है। मतलब आज तो गर्म पानी से नहाया था, नहीं तो बहुत गर्मी होती है, एकदम उमस, दो दो तीन तीन टाइम नहाना पड़ रहा था। और आप लोग बताइए, मैं तो अपनी बताने में हूँ, क्या कर रहे हैं आप लोग और ब्रेकफास्ट में क्या किया? मैं कोशिश करूँगी कि आज शाम तक ही इस वीडियो को अपलोड कर दूँ, बिकॉज कितने दिन से मेरा व्लॉग नहीं आया है, और वैसे भी आप लोग आजकल देखते ही गए हैं। चलिए मैं आप लोगों को थोड़ी देर में बाहर का मौसम दिखाती हूँ, थोड़ा सा बिंदी बिंदी लगा लेती हूँ। आजकल स्किन केयर में ज़्यादा कुछ करती नहीं हूँ, क्रीम वगैरह, जस्ट बिंदी और थोड़ी कभी कभी लिपस्टिक लगा लेती हूँ, मन करा तो लाइनर काजल, देखते हैं कल लगाती हूँ कि नहीं। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। ओ, ब्लैक कलर की मेरी पानी की बॉटल है, वहाँ पे मेरे हेडफोन भी फेंक रखा है, मैंने अपने डुगू को उल्टा लटा दिया बेचारे को। चलो 5 मिनट में मिलते हैं। ओ, ये देखिए मैं हो गई हूँ रेडी, सिंदूर बिंदी और लिपस्टिक काफ़ी इतना। अब मैं खाऊंगी अपने ड्राई फ्रूट्स, किशमिश बादाम छिल लिए मैंने, और ये है अखरोट। बिकॉज और दिन थोड़ा जल्दी खा लेती हूँ, आज 10 बज गया, अब वो इसलिए आज बहुत बारिश वाला मौसम हो रहा है, लेट से उठी थी, सब कुछ लेट से, फिर नहाना वगैरह। तो चलिए हम अपने ड्राई फ्रूट्स फिनिश कर लेते हैं। और गाइस ये है हमारा बाहर का नज़ारा, आप लोग देख सकते हैं कितने सारे आम हो रहे हैं अभी। फ्रेंड्स ये अभी हमारे आम लग पके नहीं है, कच्ची है, तो मैं इनका वेट करूँगी कभी पकेंगे, क्योंकि जो घर के आम होते हैं ना उनको खाने का मज़ा ही कुछ और होता है, एकदम पके पके, और खुद के पेड़ से तोड़ो फिर खाओ। आओ देखो कितने सारे हो रहे हैं, अभी तो कच्चे हैं, मैंने कच्चे भी काफ़ी खा दिए, बड़े बड़े से 4-5 पेड़ हैं जिनमें बहुत सारे आ रखे हैं, कुछ तो तूफान की वजह से जल्दी ही झड़ गए थे, उनकी भी हम लोगों ने चटनी वगैरह बना ली थी। लेकिन ये जस्ट हमारे बगल वाले प्लॉट में लगे हुए हैं, और लीची वगैरह का भी पेड़ है, वह आप लोग को दिख जाएगा इसमें, ये देखिए बहुत सारे आम लगे हैं। और मैं तो मैंगो की इतनी फ़ैन हूँ ना, पके से ज़्यादा मैं कच्चे खा लेती हूँ, इस टाइम पे थोड़े कम खा रही हूँ, कभी कभी एकदम से काट के नींबू मसाला लगा के, वाह बड़ा चटपटा सा लगता है ना, तो मैं कभी भी कर लेती हूँ ऐसा। तो ये देखिए बहुत सारे लगे हैं, लेकिन मैंने सुना है पहले ज़्यादा लगते थे, इस बार कम लग रखे हैं, क्योंकि बारिश तो हुई नहीं, तूफान वूफान से थोड़े झड़ गए थे, और इस बार फल भी थोड़ा सा कम आ रखा था। बाकी इधर थोड़ी सब्जी वगैरह भी उगा रखी है, लेकिन ये पेड़ों की वजह से इसमें सब्जियाँ कम हो पाती हैं। ये देखिए इसमें थोड़ा सा खा पी के ऊपर आ गई हूँ छत में, वाओ ये देखो आज कितना अच्छा मौसम हो रहा है, नहीं तो ही तो सिर्फ जाड़ों में नसीब होता है कि हम लोग छत में घूम सकते हैं सुबह। ये देखो कितना अच्छा सा मौसम है, और शिट में ट्राईपॉड लाना चाहिए था ना मुझे यहाँ पे। और ये मैंने काफ़ी टाइम हो गया मेहंदी की थी, सोच रही हूँ फिर से कर लूँ,
सो काफ़ी बारिश हुई है। ये देखिए, ये अंकल का तो इतना काम रहता है ना हमेशा। और आपको एक चीज़ दिखाऊं, वहाँ पे कोहरा भी लग रखा है। चलो बैक से दिखाती हूँ, पहले मैं आपको पूरा बैक दिखा देती हूँ, उसके बाद फिर आपसे बात करती हूँ। गाइस देखो कोहरा लग रहा है, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का, लास्ट पहाड़ में देखो आप लोग कोहरा उठ रहा है धुआं सा। सो आज देखो कितना अच्छा मौसम है, काफ़ी मज़ा आ रहा है। और ये कुछ सब्जियाँ उग गई हैं, मक्के वक्के के पेड़ हैं और पौधे, अदर बाकी वो बेल वेल लग रखी है लौकी वगैरह की। और इन्हीं लोगों से हम लोग सब्जी भी खरीद लेते हैं फ्रेश फ्रेश, सबसे अच्छी बात ये है। सो और ये देखिए पूरा भिंडी तैयार हो रही है, मतलब अभी पौधे छोटे छोटे आ गए हैं। और ये अंकल का तो फिर रोज़ का ही काम रहता है, बाकी सब तो जो भी है। मौसम काफ़ी अच्छा है, क्योंकि नहीं तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, मतलब हद से ज़्यादा जिसको हम बोल सकते हैं। और इस टाइम पे हमको तो कुछ ज़्यादा ही लगती है। ये देखो पहाड़ कितना साफ लग रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि बस एकदम पूरा धुला धुला सा है ना। और वो देखो कोहरा यहाँ तो थोड़ा कम लगता है, बाकी थोड़ा ऊँचे ऊँचे पहाड़ों में बहुत ज़्यादा कोहरा लग रखा है। चलिए हम लोग कर लेते हैं कुछ बातें, आज बहुत दिनों बाद आपसे बात कर रही हूँ। ये परेशान हूँ ना मैं आप लोगों से भी, क्योंकि आप लोग ज़्यादा वीडियो वॉच करते नहीं हो, कमेंट नहीं करते हो, लाइक नहीं करते हो, फिर मन नहीं करता वीडियो वगैरह बनाने का। सो मैंने सोचा चलो मैं आप लोगों से बात कर लेती हूँ, क्योंकि फिर एक दो दिन बाद मेरा, आज एक तारीख है 1 जून, सो दो तीन दिन में बहुत स्पेशल डे आने वाला है हम लोगों का। थोड़ी सी खुश भी हूँ बट दुखी भी हूँ, खुशी से ज़्यादा दुखी है हूँ। सो अभी 3 तारीख को हमारी आने वाली है एनिवर्सरी, और मैं जिस इंसान का वेट कर रही हूँ, अभी तक कोई इंसान आया नहीं है और आने वाले भी नहीं है, क्योंकि छुट्टी का प्रॉब्लम है। और खुशी इस बात की है कि मैं फ़र्स्ट टाइम ससुराल वालों के साथ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने वाली हूँ। तो उसी दिन मैं आप लोग अपने ससुराल वालों से मिलाऊँगी। वैसे आप छोटे से तो मिले ही हो, बाकी मम्मी लोगों से मिलाऊँगी। और बहुत बुरा सा लग रहा है क्योंकि इस बार बाबू नहीं है साथ में, तो पता नहीं सोच रही हूँ कैसे सेलिब्रेट करूँगी, ये सोच रही हूँ। और बाकी 2 साल तो काफ़ी अच्छा हुआ था, इस बार 3rd मैरिज एनिवर्सरी है, तो देखो इतनी जल्दी मुझे छोड़ दिया अकेले अकेले, अपना तो अकेले मुझे अकेले। मतलब मैं आज अभी तक सोच रही थी कि नहीं आएंगे, मुझे ऐसा लग रहा था, फीलिंग आ रही थी अंदर से, नहीं यार आएंगे आएंगे, अब सोच लिया है नहीं आएंगे। मैंने सोचा आएंगे और उनका बर्थडे भी है और एनिवर्सरी भी है, तो साथ में सेलिब्रेट करेंगे दोनों चीज़ें। सो इम्पॉसिबल है, अब कुछ कर नहीं सकते हैं। देन अभी मैं थोड़ा बहुत खा चुकी हूँ ब्रेकफास्ट, जैसे कि मॉर्निंग में टी बिस्किट फिर पकौड़े खाए आज, क्योंकि आज बारिश हो रही थी तो हम लोगों ने सोचा थोड़ा कुछ ऐसा खा लेते हैं, पकौड़े। देन अभी मैंने अपने ड्राई फ्रूट्स वगैरह खा लिए हैं, थोड़ी देर में कुछ फ्रूट्स खाऊंगी। अभी दूध नहीं पिया है, दूध थोड़ी देर में पीऊँगी, क्योंकि आजकल मैं शेक बना लेती हूँ, अदरवाइज़ बोरिंग बोरिंग डेज। और हाँ अभी तो लॉकडाउन खुल गया है, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा केस आ गए, क्योंकि सब लोग बाहर से आ रहे हैं और कोई भी अपनी सेफ्टी का ध्यान नहीं रख रहे हैं। देन अगेन आप लोग बोलेंगे ना सेम ड्रेस क्या करें यार, इस टाइम पर हमारे पास बहुत ज़्यादा कपड़े होते नहीं ढीले डाले से, तो वही रिपीट करने पड़ते हैं। आप लोग इतना माइंड मत करना, और मुझे ज़्यादा कपड़े इस टाइप पे मैं चाहती भी नहीं हूँ कि बनाऊँ, क्योंकि बाद में वो काम नहीं आएंगे। यार मौसम ने तो मज़ा ही आ गया, इतना अच्छा हो रहा है ना एकदम, क्या बताऊँ आपको। और आप लोग बताइए क्या कर रहे हैं। सो मुझे 3 तारीख को सब लोग कमेंट, मतलब मुझे विश करना मत भूलना। हाँ देखती हूँ मुझे कितने लोग विश करते हैं 3 तारीख को, आज है 1 तारीख, मैं सोच रही हूँ शाम तक मैं ये वीडियो शेयर कर दूँ आप लोगों के साथ, मतलब अपलोड कर दूँ, आप लोग देख लो। और अभी मेरा हेयर फॉल थोड़ा कम हो गया है, क्योंकि जब मैं वाइजाक बहुत ज़्यादा और था, तो अभी मैं कुछ और चीज़ें ट्राई कर रही हूँ DIY, बहुत जल्दी आप लोगों के साथ शेयर कर। कुछ फ़ायदा नहीं है, आप लोग तो देखते हो ही नहीं ऐसी चीज़ें, तो बिल्कुल भी नहीं देखते आप। जैसे कि अभी इस बार जो मैंने प्रेगनेंसी वाला जो वीडियो शेयर किया था, वो भी इतने कम लोगों ने देख रखा है, और फेस पैक वाला भी बहुत कम लोगों ने देख रखा है। यार अगर पता क्या, हम लोग इतनी मेहनत करते हैं और आप लोग देखते नहीं ना, बड़ा बुरा लगता है, मतलब मन नहीं करता है फिर काम करने का, कि यार इस टाइम पे भी इतनी मेहनत करो और आप लोग उसमें भी फिर कोई रिस्पांस नहीं दो, मोटिवेट ना करो ना, फिर फीलिंग अच्छी नहीं आती है। सो बाकी
मैं घूम रही हूँ। एक्चुअली मैं ट्राईपॉड लाना भूल गई, ट्राईपॉड लेके आती तो बेटर होता, फिर मैं आप लोग को अच्छे से दिखा देती। और मैं यहाँ पे घूम रही थी तो यहाँ पे मैंने कैमरा रख दिया था और मैंने इसको फास्ट मोड में कर दिया है। कैसे हो रही ना मैं आजकल, मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा था ना, इसलिए मैंने कहा थोड़ा वॉक कर लेती हूँ। तो बस, और आप लोग देख सकते हैं पानी हो रखा है छत में अभी भी, बहुत मतलब अच्छा सा मौसम हुआ था। और इस मौसम में घूमना मुझे तो, क्योंकि ज़्यादा नहीं घूम पाती ना वैसे भी मैं, मुझे ना अपने बाल बड़े अच्छे से लग रहे हैं। आप लोग तो आपको कैसे, चलिए मैं आपको लोग को लीची दिखाती हूँ। आम तो मैंने दिखा दिया, मैं लीची दिखा देती हूँ आपको, लेकिन वह बहुत कम आ रखे हैं, आई डोंट नो, उसमें से कुछ कुछ हम लोगों ने खा लिए कच्चे ही। देखो वो है लीची, आप लोगों को दिख रही है, एक तो काफ़ी बड़ा सा गुच्छा दिख रहा है लीची का, ऊपर छोटे छोटे लग रहे हैं। आम बहुत सारे आ रखे हैं, कैन सी वाओ, कब पकेंगे, आई लव मैंगो, क्योंकि घर वाले मैंगो खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। जल्दी पक जाए और मैं जल्दी जल्दी मैंगो खाऊं सारे के सारे सारे के। मैं बहुत सारी मस्ती करने का मन कर रहा है, लेकिन फिर सोच रही हूँ मैं मस्ती क्या करूँ, आप लोग बताओ ना कुछ। अब हल्की सी धूप आने लगी है, मैं चाहती नहीं हूँ लेकिन धूप आए, क्योंकि अब मैं बैठ गई हूँ तो ये दिख नहीं रहा। ये ट्राईपॉड जो छोटा वाला लिया ना मैंने, तो बकवास लिया मैंने ये चीची। हाँ और बताइए आप लोग क्या कर रहे हैं। अच्छा मुझे कमेंट करके बताना कि मेरे को अपने एनिवर्सरी में क्या सेलिब्रेट करना चाहिए थोड़ा अच्छा सा। अब पता है मुझे, मतलब एक चीज़ की बड़ी अच्छी सी फीलिंग आ रही थी, वाह इस बार मम्मी लोग के साथ हूँ, मतलब उनके साथ सेलिब्रेट करूँगी, कभी किया नहीं है ना बर्थडे ना कुछ, तो काफ़ी अच्छा सा लग रहा है कि हाँ इस बार मैं मम्मी और छोटू के साथ अपना एनिवर्सरी सेलिब्रेट करूँगी। वैसे हमारे घर वाले ज़्यादा मतलब पसंद नहीं करते हैं, थोड़े ऐसा नहीं है कि मतलब पसंद भी नहीं करते, भी नहीं बोल सकते, ज़्यादा पार्टी वार्टी करना उनको वो नहीं है। छोटू की बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करती अपना, बट आई होप कि मैं छोटू के बर्थडे तक यहीं रहूं और उनका बर्थडे सेलिब्रेट कर पाऊं, बहुत टाइम है ना अभी इसलिए। तो नेक्स्ट मंथ मम्मी का है, अगर मुझे याद रहा तो मैं मम्मी का बर्थडे सेलिब्रेट करूंगी बाप पक्का लेके। आप लोग मुझे याद दिलाना, जुलाई में डेट आई थिंक 8 को समथिंग समथिंग भूल जाती हूँ यार। सो बहुत नींद आ रही है, पता है सुबह आप लोग सोच रहे हैं कैसे नींद आ रही है, क्योंकि रात को सो नहीं पाती हूँ ना, मतलब बैक पेन वगैरह होता है, फिर बोलते हैं लेफ्ट राइट सोना चाहिए, सीधा नहीं सोना चाहिए वो, सो जिसकी वजह से काफ़ी नींद आ रही है। सोना तो कौन नहीं चाहता है, बट क्या करूँ, सो जाओ नींद आ रही है तो। ऑफकोर्स ऑफकोर्स, देखो मुझे कमेंट करने वालों की भी कमी नहीं है। कहाँ जा रहे हो? बाजार। मेरे को बोल रही सो जाओ, कहाँ बाजार जा रहे हो, सच में जा रहे हो क्या? यहाँ देख लो, मास्क पहन के नहीं जा रहे हो, देखो पहना है, इससे कुछ ना होता है। वो भाभी ना मामी की पुत्रपन वाली है, तो बोल, मैंने बोला ना आपसे बात कर रही थी तो बोल रही सो जाओ नींद आ रही है तो क्यों उठे हो, कि काफ़ी फनी है, नस्ते। सो गाइस चलो थोड़ी देर में मिलते हैं, मैं थोड़ा देर छत में बैठ जाती हूँ क्योंकि मुझे काफ़ी अच्छा सा लग रहा है छत में बैठ के। मम्मी से बात भी सुबह हो गई है, और तो चलिए थोड़ी देर में नीचे मिलते हैं, अभी मैं अपने फ्रूट्स वगैरह खाऊँगी, दूध पीऊँगी, तब मिलते हैं आप लोगों से। तब तक के लिए हल्की हल्की धूप आने लगी, देखो पूरा पूरा फर्श गीला है, दिख रहे नहीं बैक से ही दिखेगा, पूरा गीला गीला हो रखा है, लेकिन अभी हल्की हल्की सी धूप आने लगी, मैं चाहती ही नहीं धूप आए। और ये लोग अपने खेत में काम करने लग गए हैं। यो यो हनी सिंह, मैं भी छत पे हूँ और देखो मेरे लिए क्या आया है, सेवई मामी ने बनाई है, ये देखो आज वो है ना दशहरा कुछ त्यौहार, सो मामी ने स्वीट डिश बनाई, और आजकल तो मुझे मीठा खाना बहुत अच्छा लगता है, तो चलिए हम लोग खा लेते हैं इसको फटाफट से। वाओ छत में ही मिल गया मुझे तो, गर्म है। आप लोग भी खा लो, चलिए मैं खा लेती हूँ फिर मिलती हूँ, मैं तो बहुत खाऊँ आजकल, खाती रहती हूँ।
सो गाइस अभी मतलब लंच वंच करके हम लोग बैठे हैं और यहाँ देखो ये छोटू ब्लैंकेट ओढ़ के सोई इतनी गर्मी में भी, तो इसीलिए मैं आप लोगों को चुप रहो बोल रही थी। मतलब आप लोग तो क्या बोलेंगे, मैं ही वो सोई हुई है बड़े प्यार से कंबल ओढ़ के। अब मुझे भूख लगी है ये बता रही हूँ मैं आपको, और अब हम जाएंगे किचन में और हम खाएंगे मैंगो। सो आई लव मैंगो। सब सोए हुए हैं, मैंने छोटू से बोला तो उनने खाया नहीं। और गाइस सॉरी इसके बाद मैं वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पाई क्योंकि मैं मामी के साथ शादी की कैसेट वगैरह देखने लग गई थी। तो चलिए मिलते हैं अपने परसों वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू। और हाँ मुझे 3 तारीख को विश करना बिल्कुल मत भूलना।